स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान जो कर्मचारी रहे हैं उनका सेवा विस्तार कराया जाए और उनका कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने कुछ संविदा कर्मचारी रखे गए थे, लेकिन अब सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोविड में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज किया है, लेकिन सरकार ने उनका यूज करने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड के महामारी के दौरान लगे हुए थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है और आज हमारे धरने का संवाद और पिछले जो बीत गया दिन उसमें सरकार के भी 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बेरोजगारी का दर है वो बढ़ते जा रहा है।